लोगों के सामने एक बहुत मजे वाली वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। अब आपको पता है लेडीज हैं, घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि घर में बैठे पार्लर सारे बंद है और सबसे बड़ा मसला जो आ जाता है वो खवातीन को आ जाता है अपर लिप्स का। आईब्रो भी चल जाती है, बट जब अपर लिप्स बड़े हो जाते हैं ना तो कुछ मर्दाना लुक आने लगता है आपके अंदर। अब क्या किया जाए जनाब, अपर लिप्स कैसे बनाए जाए? वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप फिंगर वैक्स से भी कर सकते हैं, थ्रेडिंग से भी, बट अगर किसी को थ्रेडिंग नहीं आती है उसके लिए भी मसला है कि वो क्या करे। तो एक बहुत मज़े की चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फ्लॉलेस नाम है इसका। आपने इसके ऐड भी देखे होंगे, टीवी पर भी आते हैं, और ये है फ्लॉलेस। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि अब आजकल के जो दिन हैं जिनमें आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं, अपर लिप्स नहीं बनवा पा रहे हैं और घर में बैठे हुए क्या करें यार, ये बहुत अमेजिंग किस्म की चीज़ है। आराम से आप अपनी इसकी अपर लिप्स बना सकते हैं, दूसरे लोगों में मुझे उगा सकती हैं आप बहुत, क्योंकि आपको पता है जिस वक्त अपर लिप्स बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चे भी आपको पापा कहना शुरू कर देते हैं, आपको मम्मा नहीं कह रहे होते, वो कहते हैं पापा कह रहे होते हैं। बिकॉज मेरा बच्चा तो मुझे ये कहता है मम्मा आपकी मूछें आ रही हैं। अब क्या करें, बच्चे को तो चुप करा रहे हैं। अब चुप कराने के लिए फ्लॉलेस बहुत बहुत अच्छा, इसके ये बहुत सारे होते हैं। ये स्टार्टिंग इसके 500 से होती है और जितना ग्रेजुअली आप ऊपर जाते जाएं उतने महंगे से महंगा आपको मिलता रहेगा। तो मैंने तो ये खैर बहुत रिजनेबल प्राइस में जो है लिया हुआ है, बहुत महंगा नहीं लिया हुआ, कुछ भी नहीं करना होता है। ये एक इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाती है और आपने कुछ नहीं करना होता, आपने जस्ट इसको ओपन किया, ये ओपन करके आपने इसके अंदर सेल लगाना है, जस्ट सेल लगाया, सेल लगा के आपने इसको वापस आया बंद कर दिया। अब ये ऊपर का खुल गया, अब ये आपकी मशीन रेडी हो चुकी है आपकी मूछें उड़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये मैं बताऊँ, बिल्कुल पेनलेस है ये मेथड जो है, कोई आपको इतना पिन्ना सा भी आपको पेन नहीं होगा। अपर लिप अगर आप थ्रेडिंग से करवाते हैं या आप हॉट पैक से भी करवाते हैं तो वो वाकई बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, धनाधन धनाधन आंसू बह रहे होते हैं सब कुछ। लेकिन ये इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ जाए और आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, आप अपना फ्लॉलेस निकालें और बहुत आराम से आप इससे अपने अपर लिप्स बना सकते हैं। इसकी आवाज़ सुनें, कितने मज़े की आवाज़ है, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को इसकी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट इसको यहाँ रखना है और राउंड मूवमेंट में आपने इसको घुमाना है। आधी मुझे तो छुड़ा के लगी लगे हम जा नहीं सकते हैं कहीं पर भी या घर में भी, अब बाकी की आधी मुझे ट्राई नहीं किया है। इसी तरह का एक आता है, उसमें ना आगे इस तरह का नहीं होता, वो थोड़ा सा नोजल टाइप उसमें ना कट बना हुआ होता है जिससे आप ये कि आईब्रो वगैरह भी अपने आराम से बना सकते हैं। अभी वो मैंने लिया नहीं है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है, मसला हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वो भी ले लूँ तो उससे आईब्रो का मसला भी हल हो जाएगा, पार्लर जाने से जान छूट जाएगी।
देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ, ये है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, देख रहे हैं आपको बाल नज़र आ रहे होंगे ना, और जहाँ मैं इसको करती जा रही हूँ वहाँ से देखें आप बाल जो हैं वो रिमूव होते चले जा रहे हैं। तो ये इस हिसाब से, इसी तरह से आपके अपर लिप भी जो हैं वो गायब हो जाते हैं इससे, और कोई पेन नहीं होता है, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है, कोई आपको चीखों की आवाज़ें नहीं आ रही होंगी। देखें आप कितना अच्छा, देखा रिजल्ट, देखा आपने, यहाँ से बाल उड़ चुके हैं हजरात। तो अब तो मज़े की, यही मैं आपको बता रही थी कि देखिए कितने मज़े की चीज़ है, क्वारंटाइन में है, हर बात की एहतियात है, बाहर नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यार अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो ज़रूरी है, अपनी ब्यूटी भी तो ज़रूरी है। आपने आराम से ये उठाया और अपने अपने अपर लिप जो है बना लिए, तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि वाकई आप लोग भी ये, क्या कहूँ इसको, मशीन कहूँ टूल कहूँ, ये फ्लॉलेस आप ज़रूर ले लें, बहुत आसानी हो जाती है यार इससे, बहुत मसला हल हो जाता है। अच्छा पता है वीडियोस अभी तक ज़्यादा ना बनाने का मसला भी यही था कि जी कुछ लोग जो हैं कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी इस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है, वायरस फैला हुआ है, और ये जो है ये वीडियो बना रहे हैं। यार मेरा मकसद ये है कि लॉकडाउन में क्या खाना पीना भी छोड़ दिया है बंदों ने, क्या आपने सारे काम छोड़ दिए? नहीं यार, हम क्या हम तशहीर करें कि अब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब हम कुरान शरीफ कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, अब हम तस्बीहात पढ़ रहे हैं, तो ये तो शो ऑफ हो जाएगा ना। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अगर मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ या मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ या मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं जो उसकी तस्वीरें अपलोड करती रहूँ कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, नहीं ना। देखिए अब अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैंने अगर पूरे दिन में 10 मिनट निकाले हैं वीडियो बनाने के लिए, तो क्या हर्ज है इसमें? अपने सारे काम कंटिन्यू अपने किए हैं मैंने, माशाल्लाह लॉकडाउन में किसी का कोई काम रुका? खाना बनाना रुका, कपड़े धोने रुके, बर्तन धोने रुके, घर साफ़ करना रुक गया? नहीं ना, सारे काम हो रहे हैं, टीवी भी देखा जा रहा है, खेल भी हो रहे हैं, इबादत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो यार मैंने 10 मिनट की वीडियो भी बना ली अपनी, मैंने कहा और आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाइए, आप लोगों को ये बताने के लिए बनाइए कि कितनी ज़रूरी चीज़ है ये, और ये कि ये कितनी अच्छी रहेगी, आप लोग भी अगर इसको परचेज़ कर लेंगे तो आप लोगों का भी ये अपर लिप वाला मसला तो फौरी तौर पर हल हो ही जाएगा। बिकॉज अगर आईब्रोज बढ़ी हुई हो ना इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर अपर लिप्स होते हैं ना तो वो पता नहीं क्यों मुझे तो खैर इरीटेट करते हैं। आप लोगों को अगर ना करते हो तो भाई मत खरीदिए, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी पे चलिए, आप अपनी खुशी से रहिए। मेरे लिए बस यही था कि मैंने कहा मैं आज आप लोगों को इस फ्लॉलेस के बारे में बताऊं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, परचेज़ कर लें, ले लें, और आप लोग भी कोशिश करें, क्वारंटाइन है तो क्या हो गया, अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करें, अपने आप को बिल्कुल डर के मत बैठ जाएं अपने आप को कि जी वायरस है, वायरस फैला हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है एहतियात है, बहुत अच्छी एहतियात है, घर में बैठी रहिए, घर से बाहर निकलेंगे तो आप उसको दावत दे देंगे घर में आने की, घर में रहेंगे तो वो आपके घर में नहीं घुसेगा वायरस, तो बस ठीक है अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, अपने बच्चों को सेफ़ रखिए, और इसी तरह से वक्त गुजारिए।